भारत सरकार के एक्शन के बाद खालिस्तानियों में खलबली मच गई है और उनकी बौखलाहट भी साफ नजर आने लगी है, जिसका नतीजा आपके सामने है। ये तस्वीर कनाडा में भारतीय कंसुलेट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था की है। बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। वजह है खालिस्तानी समर्थकों की धमकी, वजह है खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन। सिख फॉर जस्टिस संगठन एक हफ्ते पहले से प्रोटेस्ट के प्लान पर काम कर रहा है। इसकी योजना थी 26 सितंबर को, यानी आज के दिन, कनाडा के टोरंटो, ओटावा और वैंकूवर जैसे शहरों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करने की। इसलिए प्रदर्शन के दौरान कहीं हिंसा ना हो, कॉन्सुलेट पर हमला ना हो जाए, इसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जो ये बताता है कि कनाडा में खालिस्तानियों की संख्या बढ़ कैसे रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में अपना एजेंडा चलाने के लिए सिख लड़कों की जरूरत होती है और वो इसको मानव तस्करी के जरिए पूरा कर रहे हैं, जिसे ये लोग फुट सोल्जर कहते हैं। अब सवाल ये है कि पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। पंजाब से लोगों को कनाडा में काम दिलाने के बहाने बुलाया जाता है और उनके लिए वीजा भी स्पॉन्सर करते हैं। इसे डिमांड और सप्लाई का नाम दिया जाता है। दरअसल कनाडा में प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर और गुरुद्वारे में सेवादार जैसे लोगों की लगातार जरूरत रहती है और इसी बहाने लोगों को बुलाया जाता है, खासकर लड़के। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। कनाडा बुलाने के बाद लड़कों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता है, जैसे भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करना और खालिस्तानी एजेंडा फैलाना। इस काम में भारत में बैठे कुछ राजनीतिक दल भी इनकी मदद करते हैं, जो पैसे लेकर लड़कों को अपनी पार्टी का सदस्य बताते हैं और इसके लिए वो 2 से 5 लाख रुपए तक की रकम वसूलते हैं। इसके अलावा कनाडा में पढ़ने गए बच्चे भी इनके निशाने पर रहते हैं, खास तौर पर वो जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, जिसका फायदा ये खालिस्तानी उठाते हैं। गुरुद्वारों में रहने की जगह देते हैं और छोटा मोटा काम दिलाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह इतनी आसानी से इसलिए हो पाता है क्योंकि निज्जर जैसे लोगों का कनाडा के 30 से ज्यादा गुरुद्वारों पर कंट्रोल है, जिसमें सरे, ब्रैम्पटन, एडमोंटन जैसे शहर शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन खालिस्तानियों ने पंजाब के कई गैंगस्टर को भी कनाडा बुलाया और अपने एजेंडे में शामिल किया। यही वजह है कि 2016 के बाद से पंजाब में अचानक आतंकी हमले बढ़ गए, जिसमें खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कनाडा में बैठकर ये लोग लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कनाडा की सरकार इन पर कार्रवाई करने की बजाय समर्थन कर रही है। कनाडा का प्रधानमंत्री खुद संसद में खड़े होकर खालिस्तानियों की वकालत करता है, खालिस्तानियों की आवाज़ को अभिव्यक्ति की आज़ादी बताता है। जबकि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट करीमा बलोच की संदिग्ध मौत पर एक शब्द नहीं निकलता, जो बलूचिस्तान में किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा रही थी। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में कनाडा की संसद के अंदर हिटलर के पूर्व सैनिक को सम्मान तक दिया गया, जो लाखों यहूदियों के कत्ल में शामिल रहा, उसको वॉर का हीरो बताया गया। हालांकि बाद में सांसदों की इस हरकत पर स्पीकर ने माफी जरूर मांगी। स्पीकर हैज एक्नॉलेज्ड हिज मिस्टेक एंड हैज अपोलोजाइज्ड, बट दिस इज समथिंग दैट इज डीपली एंबैरेसिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ कनाडा एंड बाय एक्सटेंशन टू ऑल कैनेडियंस। आई थिंक पर्टिकुलरली ऑफ ज्यूइश एमपीज एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द ज्यूइश कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री। लेकिन ये सब घटनाएं इतना बताने के लिए काफी हैं कि आतंकियों के खिलाफ ट्रूडो की नीयत और नीतियों का ही नतीजा है जो आज कनाडा में खालिस्तान फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।